चिल्ला सकते हैं, खड़े होकर चिल्ला सकते हैं सब। वाह, congratulations to Nahar International School and Ayushmart for doing the honors. Ladies and gentlemen, moving ahead, the eco-friendly Ganesh Pandals. आप सब बहुत ध्यान से काम कर रहे हैं हमारे एनवायरमेंट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। Mr. Niranjan Irandani sir, I'm going to kindly request you. Okay, so I'll start and then you can join me. But you sing one or two more and just give me your thoughts about beach cleanup. आपका ही गाना उसकी धुन बजा दी इन्होंने। आपके हाथ में हमारा भविष्य है। सो गुड मॉर्निंग वर्सोवा, गुड मॉर्निंग अंधेरी, गुड मॉर्निंग इंडिया। आज ऐसा देखकर लग रहा है कि हमारा इंडिया जाग चुका है। 2015 में मुहिम शुरू हुई थी, हमारी जनरेशन की काफी लेट है लेकिन आपके लिए बिल्कुल करेक्ट है। एंड वी हैव ओनली वन प्लैनेट टू लिव। अर्थ के बिना हम नहीं रह सकते लेकिन अर्थ हमारे बिना रह सकती है। अर्थ कैन स्टिल एग्जिस्ट विदाउट ह्यूमन बींग्स। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन ओपिनियन लीडर टू स्प्रेड दिस मैसेज। और अमृता जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आप एक एनवायरमेंटली अवेयर इंसान हैं और आपकी बहुत ही अच्छी आवाज़ है, खूबसूरत जुबान है। और ये बात सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज के इनिशिएटिव को देखकर, ये मुंबई हम सबकी जान है, सिर्फ आप और मेरी नहीं, हम सबकी जान मुंबई है। फाउंडेशन फॉर दिस ग्रेट इनिशिएटिव। और अब क्लीन अप करते हैं। एंड एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे बीचेस और हमारी मुंबई की लॉन्ग लाइफ के लिए, और वो है आयुष्मान भव। थैंक यू सो मच। चल भाई, क्या कहना चाहेंगे? आज का जो इनिशिएटिव है इतना इम्पोर्टेंट है बीच क्लीनिंग का। हमने देखा कि बहुत सारे जो बच्चे लोग हैं वो लोग भी आए हैं बीच क्लीन करने के लिए। आप यहाँ पर हो, क्या कहना चाहेंगे? तो यार
मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और जिन्होंने भी ये इनिशिएटिव लिया है, अमृता फडणवीस जी ने और दिव्या स्टूडेंट फाउंडेशन ने, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ का, बिकॉज ऐसी इनिशिएटिव आई गेस हमारे इधर और ज़्यादा लेने चाहिए, ज़्यादा क्वान्टिटी में लेने चाहिए, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ की सांस लेते हैं, यहाँ का खाना खाते हैं, ये शहर हमको हमारा पेट पालता है, तो जो जगह हमारा पेट पालता है कि हम उस जगह को गंदा तो नहीं रख सकते, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बिग बॉस की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही, बाहर आने के बाद गणपति सेलिब्रेशन कैसा रहा आपके लिए, किस तरह का प्यार मिल रहा है फैंस से? बहुत ही अच्छा लग रहा है, हर एक चीज का एक पॉजिटिव साइड देख रहा हूँ मैं, इतना प्यार मिल रहा है तो बहुत ही मजा आ रहा है। और जहाँ तक रही पप्पा की बात, तो पप्पा आए घर पे, पप्पा ने अपनी ब्लेसिंग्स दी, पप्पा गए, अब वेट है पप्पा अगले साल आएंगे। और क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है अगर उस बारे में कुछ शेयर करें? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स दो तीन चीजें हैं, एक के बारे में जो बात कर सकता हूँ मैं वो है, मेरा सॉन्ग आ रहा है सना के साथ टी सीरीज का, तो वो आप लोग को शायद मोस्टली ये मंथ देखने मिलेगा। और जो बाकी के दो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में नेक्स्ट मंथ बात कर पाऊंगा, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स चीजें हैं और मैं खुद एक्साइटेड हूँ, मेरे लिए भी लाइक थोड़ा नया है वो जर्नी। कुछ कुछ आप दोनों के ग्लिम्स और फोटोज हमने देखे थे ऑनलाइन जी इंस्टाग्राम पर और आप लोगों ने जो शेयर किए थे जी, क्या कहना चाहेंगे? बिग बॉस के घर में तो आप दोनों का बहुत अच्छा बॉन्डिंग था जी, एज अ प्रोफेशनल कैसा एक्सपीरियंस रहा उस बारे में अगर कुछ शेयर करें? प्रोफेशनल लाइक हम लोग तो बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था हमारा, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम शूट कर रहे हैं ऐसा, बस हम शॉट के बीच में हंस रहे हैं ये वो, बट आई गेस अगर आप किसी का शूट करो तो वो बहुत जरूरी होता है कि आप किसी साथ बहुत कंफर्टेबल हो, उसके साथ तो मैं कितना कंफर्टेबल हूँ, तो यार वो एक्सपीरियंस ही बहुत अच्छा हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। आज का जो इनिशिएटिव था कितना इम्पोर्टेंट था बीच क्लीन का, और जिस तरह से गंदगी होती है बीच के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे इनिशिएटिव कितना इम्पोर्टेंट है? आज दिव्याज फाउंडेशन ने मी कचरा कटा नहीं जो ये कैंपेन एक महीने से चलाई है उसके तहत ही सी शोर शाइन ये भी कैंपेन चलाई है, जिसमें हमने आज एक अवेयरनेस कैंपेन रखी थी यहाँ एट वर्सोवा बीच, जहाँ हमें बीएमसी और मुंबई पुलिस ने साथ दिया, भारती मैडम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसका साथ मिला हमें, अफरोज हु इज अ वेटरन इन क्लीनिंग बीचेस, जो कभी बोलते नहीं है बट ही डज अ लॉट ऑफ वर्क, उन्होंने हमें गाइडेंस दिया, तो इट इज अ प्रोग्राम कम्युनिटी प्रोग्राम और इसमें बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हमें बच्चों का और वॉलंटियर्स का मिला। अवेयरनेस लोगों को ये आना जरूरी है कि हमारे देश के एसेट्स क्या है, हमारी नदियाँ, हमारे तालाब, हमारे ओशंस, अगर हम उन्हें ठीक नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? एंड टू हेल्प टूरिज्म, टू हेल्प इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अपने बच्चों की हेल्थ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन एसेट्स को एक एम्बेसडर की तरह, एक सेवियर की तरह मेंटेन करें। मैम ऑल्सो बच्चे लोग यहाँ पर थे, कितना इम्पोर्टेंट है कि स्कूल में ये सब सिखाया जाए ताकि आगे जो है फैमिलीज तक पहुँचे और आगे फ्यूचर में भी वो चीज़ों को फॉलो करें। कोई भी अच्छी चीज हो, चाहे वो किसी स्त्री का सम्मान करना हो या सफाई रखनी हो, ये स्कूल में और घर पे ही सिखाया जा सकता है, और जब एक बच्चा ये सीखता है तो देश का जो फ्यूचर होता है वो ब्राइट होता है और उस नींव को कोई हिला नहीं पाता, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि चिल्ड्रन लर्न दिस विद दैट मोटिव ओनली। आपने देखा होगा मैक्सिमम पार्टिसिपेशन बच्चों का था हमारे प्रोग्राम में। जैसे आज स्टेज पे भी अमृता मैम को किसने बोला अमृता माँ तो मैं डर गया, हम सब यंग लोग हैं, यंग लोगों की आकांक्षाएं और फीलिंग्स होती हैं, देश प्रेम अलग अलग प्रकार से एक्सप्रेस किया जाता है, जो हमारे देश में 1910 से लेके 1947 तक हुआ वही देश प्रेम की झलक आप यहाँ देख रहे हैं, देश के लिए आगे बढ़ना, कुछ करना, करके दिखाना, तो हमारी सबकी ज़िंदगी बातें करते में निकल जाएगी, सब बात करेंगे। मैं इंडिया से बहुत प्यार करता हूँ, 15 अगस्त, 26 जनवरी, आज जो ये मौका था बहुत इंपॉर्टेंट मौका था, आपने देखा हज़ारों बच्चे, अमृता मैम खुद फील्ड पे, मुंबई के म्यूनसिपल कमिश्नर, और ये क्लीनअप जो है ये यहीं पर एंड नहीं होता है, हमारा ऐसा मानना है आप इसको, ये जो फीलिंग्स हैं इसकी आपको घर ले जानी है, कि ये मैं हमेशा बोलता हूँ ये 21वीं सदी में आप डिफाइन होते हैं अपने कचरे से, अगर आपका कचरा सही है आप सही हैं, आपका कचरा गलत है आप मिसफिट है देश के लिए, तो जो लोग यहाँ क्लीनअप करें, हम सबको यहाँ हिदायत भी दी है, बातें भी हुई स्टेज पे, काम भी हुआ कि अपना कचरा चेक कीजिए और कचरा कैसे कम करना है, एक तो यहाँ के साफ़ सफाई कर लेना, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में लेगेसी वेस्ट, उठा लिया
और जाके कम करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो हम जिंदगी भर साफ सफाई करते रहेंगे जो करना नहीं है हमको। कचरा कम करने की मुहिम जो नारा लगा स्टेज से भी उनका, ये कचरा करना नहीं, मतलब किसी तरह मैं कम करूँ। अब यहाँ पे अमृता मैम और हम जाएंगे वहाँ स्टेज, वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि ये झोपड़पट्टियों में आजू बाजू जो है, जो जिसको बोला जाता है ह्यूमन ओशन कॉन्फ्लिक्ट और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ किस तरह कचरा करने की मुहिम चालू है। और अमृता मैम लाइक लीडर इज टेकिंग द इनिशिएटिव, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। लाविका मैम भी इधर है हमारी MLA, शी इज बीन डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट वर्क विद अस। हम सब मिलके थोड़ा थोड़ा करेंगे तो देश सुधर जाएगा। बड़ा बड़ा गोल्स मत रखो, छोटी छोटी चीज़ें करते रहो, बोलते ना हिंदी में नैया पार हो जाएगी। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी कॉन्सिक्वेंसी है अमृता मैम ने जो इनिशिएटिव लिया है कितना इम्पोर्टेंट है, और आज जो बच्चे भी यहाँ पर थे क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं तो अभिनंदन करूंगी पहले अमृता जी का, उनका दिव्येज फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है, सोशल वर्क में तो बहुत ही आगे है, और कचरे के बारे में भी उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है तो बहुत ही अच्छा है। और हमारे यहाँ आए तो हम तो बहुत ही खुश हो गए, यहाँ पे कचरा उठाने में हमारे साथ हमेशा अफरोज तो होते ही है, अभी अमृता जी हमारे साथ आ गई है और बहुत खुशी है, हमारे बच्चे भी बहुत खुश है, और कचरा उठाना हमारा काम ही है, तो ये भी कचरा उचलना नहीं, ये शपथ जो है ये हमने भी ली है, कचरा करना नहीं ये आमची शपथ है। योगी जी, मी कचरा करना नहीं आणि मी कचरा करू देणार नहीं आणि मी कचरा फेकणार ही नहीं। ये जो बैटल है ना, ये एक लॉन्ग ड्रॉन है, आप एक दिन में एंड नहीं होगी। अब बच्चों को बार बार बताना, जो घर में माँ बाप है वो सिखाना, स्कूल में सिखाना, हम लोग जो सीख चुके हैं बार बार इसको कंसिस्टेंट, एक रोल होता है ना गोल 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 गोल, ये कई 5 साल 10 साल करेंगे तो कहीं ठीक ठाक होगा। थैंक यू सो मच।